गांधी अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने किया एहतजाज को बुलंद। चीफ मिनिस्टर के फौरी तौर पर आने की है मांग। एएमसी वार्ड में तोड़फोड़ और फिर हमले के बाद उठाया गया एकदम, जबकि पुलिस ने दो हमलावरों को किया गिरफ्तार। जी हां, गांधी अस्पताल इन दिनों कोरोना वायरस जैसी वबा से मुतासरा अफराद के इलाज के लिए काफ़ी सरगर्मी का मुजाहरा पेश कर रहा है, जहां के डॉक्टर्स अपनी जान जोखम को डालकर मस्कुरा वायरस से मुतासरा मरीजों के इलाज के लिए मसरूफ भी हो चुके हैं। मगर अब इसी अस्पताल से वाबस्ता डॉक्टर्स ने इन पेशेंट्स का इलाज करना छोड़कर बाहर सड़कों पर निकल आ चुके हैं, क्योंकि गुज़िश्ता कई महीनों के बाद फिर से एक बार गांधी अस्पताल से वाबस्ता एक जूनियर डॉक्टर पर हमले का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से गांधी अस्पताल में पीजी डॉक्टर की ड्यूटी अंजाम देने वाले मर्द व ख्वातीन ने 10 जून की सुबह फिर से एक बार बड़े पैमाने पर अपने एहतजाज को बुलंद करते हुए इस तरह के वाकयात के खिलाफ धरना भी मुनज्जम किया और फिर अस्पताल के बाहर सड़क पर बैठकर रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस हमले ने हालात के पेश नज़र कुछ घंटों के लिए आवाम की आमद व रफ्त का सिलसिला यहाँ पर बंद भी कर दिया था और एहतजाजी धरने पर बैठे इन जूनियर डॉक्टर्स को यहां से उठाने की कोशिश में भी थे। मगर ये एहतजाजी डॉक्टर्स फौरी तौर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की आमद का मुतालबा करते हुए नारे भी बुलंद कर रहे थे। बताया जाता है कि 9 जून की रात को बेगमपेट इलाके से ताल्लुक रखने वाले कोविड 19 से मुतासरा एक मरीज का गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर मरने वाले के अफराद खानदान ने डॉक्टरों की लापरवाही का इल्जाम आयद करते हुए एएमसी वार्ड में फौरी तौर पर तोड़फोड़ करते हुए ड्यूटी अंजाम देने वाले एक जूनियर डॉक्टर पर हमला भी कर दिया, क्योंकि मरने वाले के अफराद खानदान ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि इनका मरीज मुसलसल तड़प रहा था, मगर डॉक्टर की तरफ से फौरी तौर पर किसी भी तरह का इलाज नहीं किया गया, जिसकी लापरवाही से इनके आदमी की मौत हो गई, जिसकी मौत के बाद जूनियर डॉक्टर पर हमला और फिर एएमसी वार्ड में तोड़फोड़ का वाकया पेश आया, जिस पर जूनियर डॉक्टर्स ने उसी रात से अपने एहतजाज को बुलंद भी कर दिया। हालांकि अस्पताल में तोड़फोड़ और फिर जूनियर डॉक्टर पर हमले के वाकये में मुलविस दो अफराद को पुलिस ने फौरी तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया। इसके अलावा सिटी पुलिस ने यह भी कहा कि डॉक्टर्स पर किसी भी तरह के हमले को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस की महामारी में डॉक्टर्स फ्रंटलाइन के हीरोज हैं। जिस पर आप सबकी क्या राय है कॉमेंट्स में जरूर जवाब दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट siyasat.com। Justice! Justice! Justice!